हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवी सा ज्योति ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है और मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। तो देखिए, यहाँ पे मेरी तैयारी शुरू हो गई है और कुछ कारण के वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियो। तो मतलब बना हुआ था लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी। तो देखिए, वहाँ पे सारा श्रृंगार के सामान मैंने ले रखी थी जो कि मैं चढ़ाऊँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी बैंगल बॉक्स है। तो ये देखिए, बहुत सारी अलग अलग तरह की चूड़ियाँ हैं मेरे पास जो कि मैं हर साल खरीदती हूँ। साल में एक बार ही लेती हूँ, ज़्यादातर मैं चूड़ियाँ नहीं लेती हूँ। ऐसे डेली यूज के लिए मैं तो प्लेन चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ। और ये देखिए, पिछले साल का मेरा जो सेट मैंने खरीदी थी तो वो हमारा टूट गया था। कान वाला सही है, गले वाला टूट गया था तो उसको मैंने रखी हुई है। और ये देखिए, झुमके भी हैं, बहुत सारे रखी हुई हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, यूज मैं नहीं करती। मैं डेली यूज में तो ना सोने के बाली और यही सब पहनती हूँ। ये सब आर्टिफिशियल से कान पक जाता है तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, पर रखा हुआ है मेरे पास। कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो पहन लेते हैं, नहीं तो ना भी पहनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो देखिए, ये था। तो लॉकेट हम दूसरे उसमें डाल लिए हैं। लॉकेट का जो वो था चेन, वो टूट गई थी। तो देखिए, इस तरीके से कुछ है मेरे पास रखा हुआ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, एक मंगलसूत्र भी रखा हुआ, लेकिन मैं ये सब नहीं पहनती हूँ। मैं जो अपना सोने वाला जो डेली यूज में पहनती हूँ वही पहन के रखती हूँ, क्योंकि ये सब तो ख़राब हो जाते हैं नहाने धोने पे। ये तो इसी तरह से बस कहीं 1-2 घंटे के लिए पहन के जाओ, आओ फिर खोल दो। और देखिए, मेरी साड़ी में फूल भी लग रही है, मैं अपने आप ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फूल लगाना बहुत अनस पड़ता है, मतलब गुस्सा आता है। बहुत टाइम लगता है इसमें, 2 मीटर के उसमें लगाने पड़ते हैं फूल, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं जब दुकान से साड़ी लेती हूँ उसमें लगा हुआ आता है फॉल फॉल पिको सभी चीज़, और इसमें नहीं लगा हुआ था क्योंकि मैं नेट से मंगाई थी, तो इसमें मुझे लगाने पड़ रहा है। इतना जल्दी मैं बाहर भी दूंगी तो कोई लगा के नहीं देगा मुझे, और अगल बगल कोई है भी नहीं लगाने वाला, तो मेरे को फिर लगाने पड़ रहा। तो देखिए, एक साइड मेरा लग गया है और मैं अब दूसरी साइड कल को लगाऊंगी। एक दिन में मैं नहीं लगा पाऊंगी। तो देखिए, मेरी साड़ी तैयारी हो गई थी, मैंने वही वाली साड़ी पहनी है आज। और ये देखिए, मैं गले की सेट नहीं लेकर के आई हूँ। तो आप सब बताइएगा कैसी लग रही हूँ। ये तैयारी करवा चौथ की थी, ये करवा चौथ की वीडियो है मेरे पास जो कि बहुत दिन हो गया करवा चौथ का बीते हुए। और ये देखिए, यहाँ पे मैं कहानी सुन रही थी। सुनने के बाद अपने सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग कर लें। रात्रि में चंद्रग्रहण होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्ध दें और फिर भोजन करें। यदि कहानी फंटाइन से सुनी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दें। यदि बहन बेटी या बेटी हो तो गेहूँ चीनी और पैसे उसे दे दो। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और सात पुत्र। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी बेटी और बहू ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे और तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला, इसके उसके लिए उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूँगी। इस पर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि छन्नी। और ये देखिए, यहाँ पे मैं अर्घ देने कर आ गई हूँ। शाम को मतलब रात के 9 बज रहे हैं, हमारे घर से रात में 9 बजे ही दिखता है चांद, 9 साढ़े 9 के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है इसलिए हमें दिखता नहीं है। वैसे तो चांद निकल गए थे 8 बजे ही, लेकिन हमें 9 बजे दिखा। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमारी पूजा हो गई है। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। और लेट वीडियो डालने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से।